सारे भारत की नजरें सीकर पर टिकी हैं। पढ़ाई के बाद कुछ ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं जनरली कोचिंग सेक्टर में। आपके हिसाब से जो इंटरनेट, जो सोशल मीडिया है, वो कोचिंग जगत की अपन बात करें, अपन एजुकेशन जगत की बात करें, तो उसमें क्या भूमिका निभाता है? तो जब आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले बच्चे जब स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं, दिए वही जलते हैं जिनमें तेल और बाती दोनों होती है। कोई कितना भी बिगड़ा होगा कि भाई इसको शेखावटी भेज दो, बठे जरूर सुधर जैसी हो, बिना हमारे किसी दबाव के सुधर जाते हैं सिर्फ माहौल में आने से। अनुशासित रहोगे तो नंबर अपने आप आएंगे आपके। नमस्कार दोस्तों, मीटिंग सिटिंग के एक और फ्री स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विनोद। आज का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, वो स्पेशल वीडियो आपका। अब स्पेशल की अपन बात करें तो वैसे अपना हर एक वीडियो स्पेशल होता है, लेकिन आज का वीडियो खास तौर से उन अभिभावक के लिए स्पेशल है, उन पेरेंट्स के लिए स्पेशल है जो अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर थोड़ा सा चिंतित होते हैं कि एक ऐसा स्कूल हो जहाँ पे उनके बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन मिले और वो भी एक किफ़ायती फीस में। और आगे अपन बात करें कि सीकर शिक्षा नगरी में सिरमौर है, तो उसी के साथ साथ सीकर के ही पास में एक नगर पालिका सेक्टर लोसल, वहाँ पे आज अपन पहुँचे हैं और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं शेखावटी एजुकेशन ग्रुप लोसल के डायरेक्टर राहुल जी रणवासर से। सर, मीटिंग सिटिंग के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद विनोद जी, और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी सर, तो सर आप सबसे पहले हमारे जो अभिभावक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको आप ये बताइए कि अपने जो एजुकेशन में जो अपने शुरुआत करी, जो अपने ग्रुप की जो नींव डाली, उसकी शुरुआत कब से अपने करी थी? सर, शेखावटी एजुकेशनल ग्रुप लोसल सभी लोगों के बीच में शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही चर्चित नाम है, और इसका कारण ये है कि सन 1989 में इसके जो फाउंडर हैं वो हमारे चेयरमैन सर बीएल रणवा सर हैं। उन्होंने 1989 में एक सपने के साथ इसको स्टार्ट किया था, और जब उन्होंने वो स्टार्ट किया तब उनका वो टारगेट जो था वो जनरली व्यवसाय या बिजनेस को नहीं लेते हुए, उनका टारगेट ये था कि मुझे एक एक बच्चे को ये शिक्षा देनी है मेरे गांव के पास में। और 89 से स्टार्ट करने के बाद उनके कई पायदान, चढ़ाव, उतार, हर तरह की परिस्थितियां देखने को मिलती है जी, लेकिन उनकी एक चीज़ हमेशा निरंतर रही कि एक तो बच्चों में उनका विश्वास और बच्चों के प्रति उनका समर्पण और मेहनत जी। और वो चीज़ आज भी उनसे पढ़े हुए सभी एलुमनाइज ये महसूस करते हैं कि हमें जो प्रेम भाव, हमें जो पढ़ाई, हमें जो भविष्य से रिलेटेड जो भी बातें बताई गई, वो चेयरमैन सर जैसा हमें कहीं नहीं मिला। तो जैसा कि साथियों सर ने बताया कि 1989 से चीज़ें शुरू हुई थी और आज एक बड़ा ग्रुप के रूप में उभर के चीज़ें आ रही है। और ख़ास तौर से मैं बात करूं कि सर सीकर को अपन देख कर चलते हैं कि शिक्षा में सिरमौर है या चीज़ें अपन करें कि नेक्स्ट लेवल वहाँ चीज़ें हो रही है। तो अभी जैसे रिसेंटली अपनी स्कूल की अपन रिजल्ट की बात करें तो अपन बात करें राजस्थान में अपन लीड कर रहे हैं अपने जो अभी बोर्ड रिजल्ट आए हैं, उसके साथ अपन डिसिप्लिन की बात करें, अपन एटमोसफेयर की अपन बात करें तो वो तो नेक्स्ट लेवल है ही है। उसी के साथ अभी देखने को मिला है कि सीकर की ही तर्ज पे जैसे अपन बात करें नीट और आईआईटी को अपन लेके चल रहे हैं अभी, तो नीट और आईआईटी को लेके अभी अपना नई क्या अपन चीज़ें कर रहे हैं? बेशक विनोद जी, स्कूलिंग के बारे में आपने जो बताया, शुरुआत से ही काफ़ी अच्छे टारगेट्स रहे हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। और रिजल्ट तो हालांकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो उसका कायदा बनता ही है, लेकिन उसके साथ शेखावटी एजुकेशनल ग्रुप ने विद्यार्थियों को जो दिया है वो यहाँ का अनुशासन है। अब ये एक आप नए फील्ड की बात कर रहे हैं, हालांकि जब 89 से शुरू हुआ था सीकर में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो 89 के बाद में स्टार्ट हुई है और काफ़ी बेहतर काम कर रही हैं, तो सीकर में एक कोचिंग सेक्टर भी अच्छा डेवलप किया है जिसकी वजह से सारे भारत की नज़रें सीकर पर टिकी हैं। पहले कोटा में कोचिंग के लिए जाना जाता था जी, और अब सीकर को उसी लिए जाना जाता है। तो सीकर के सभी महानुभाव जो भी कोचिंग संस्था चलाते हैं अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया प्रयास कर रहे हैं। 40 किलोमीटर दूर, जो लगभग 35 किलोमीटर के आसपास लोसल सीकर से पड़ता है, इतनी दूर हमने भी एक ये प्रयास शुरू किया है और उसको कुछ इम्प्रोमाइजेशन के साथ स्टार्ट किया है। बेशक पढ़ाई तो करवानी करवानी होती है, लेकिन पढ़ाई के बाद कुछ ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं जनरली कोचिंग सेक्टर में कि बच्चा सिर्फ क्लास से मतलब रखता है, क्लास के बाद डाउट क्लास और अपना रूम, इसी बीच घूमता रहता है पूरे साल भर। पर्सनल काउंसलिंग भी बहुत कम होती है, मॉनिटरिंग भी कम रहती है। जनरली एक पैटर्न होता है कि इंस्टीट्यूट से बाहर जाने के बाद बच्चा जो भी कर रहा है वो उसका पर्सनल मामला आ जाता है जी। लेकिन यहाँ पे वही बात आ गई फिर से, अनुशासन को ही प्रायोरिटी पे रखा गया है। पहली चीज़ है अनुशासन। अनुशासन यदि विद्यार्थी का बिगड़ गया तो हम कितना भी प्रयास करें उसका रिजल्ट में तब्दील नहीं कर सकते, उसको किया जा सकता जी।
अलग हम क्या दे रहे हैं, अलग हमारे लिए बच्चों के पास ये है कि वो अदर एक्टिविटीज़ में इक्वली भाग ले रहे हैं। जैसे हमारा एनुअल फंक्शन हुआ था अभी, तो एनुअल फंक्शन में फाउंडेशन डिपार्टमेंट का एक अलग से कार्यक्रम रहा और उन्होंने उसमें बच्चों ने भाग भी लिया, उन्होंने डांस भी किया, सारी एक्टिविटीज़ प्रॉपर की। इसके अलावा स्पोर्ट्स में वो प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, अपनी पढ़ाई तो उसी तरीके से कर रहे हैं, मॉर्निंग से इवनिंग तक, नाइट तक का उनका शेड्यूल पढ़ाई का सारा फिक्स है, लेकिन स्पोर्ट्स भी उनका फिक्स है, अदर एक्टिविटीज़ भी फिक्स है। और हमें इस बात की खुशी है कि बैडमिंटन, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स में भी फाउंडेशन के बच्चे हैं। ये सभी इवेंट्स हैं जिनमें फाउंडेशन के बच्चे स्टेट गए हैं गेम्स में, इसी साल सिलेक्शन हुआ उनका स्टेट में। आपका सर यहाँ कहने का मतलब है कि बच्चों को आप जो नीट आईटी की जो तैयारी करवा रहे हैं, तो उसमें एक तरीके से वो नहीं है कि बच्चों को एक रोबोट बना दिया अपन, एक मशीन बना दी, कि आपको सिर्फ रिजल्ट निकालना है, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, वो नहीं है हमारे पास। तो पढ़ाई के साथ ओवरऑल सारा डेवलपमेंट, डेवलपमेंट की बात करें कि बच्चों को अपन सभी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखते हैं, जिससे कि बच्चा एक स्वस्थ और एक हेल्थी कंपटीशन कर पाए। उसी के साथ सर एक और नई चीज़ आपने पिछले साल शुरुआत की है कि ई लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट आप लेके आए हैं, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, अभिभावकों को बताइए कि ई लाइब्रेरी क्या है और उनके बच्चों को वहाँ से क्या विशेष का फ़ायदा मिलने वाला है। लाइब्रेरी नाम का एक कंसेप्ट स्टार्ट हुआ नया नया, उसके यही ड्रॉबैक्स आने लगे कि वाईफाई रहता है, मोबाइल चलाते हैं बच्चे, सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं लेकिन आउटपुट नहीं आता है। ई लाइब्रेरी एक कंसेप्ट लेकर आए जिसमें तमाम कंप्यूटर्स के ऊपर टीचर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं सभी सब्जेक्ट्स के, और बच्चे उसको इंटरेस्ट के साथ आराम से देख भी सकते हैं। यदि उनका कोई लेक्चर पेंडिंग रह गया है तो वो लेक्चर उस लाइब्रेरी में पूरा कर सकते हैं। उसके साथ ही वहाँ डिजिटल बोर्ड की सुविधा है, तो टीचर्स को भी क्लासेस को जब डिजिटल बोर्ड पर ले जाना होता है तो वहाँ पर ले जाकर उनको आराम से पढ़ाया जाता है। इसके अलावा बच्चा यदि ई लाइब्रेरी बैठा है, ये तो मैंने खुद ने महसूस किया है, कभी कभी हम जब स्टडी करते हैं तो लाइब्रेरी में जाते हैं, तो लाइब्रेरी में जब भी हम स्टडी करते हैं तो हमें 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे कब निकलते हैं हमें बाहर का पता ही नहीं चलता। उसका जो एनवायरनमेंट इंटरफेस ऐसा बना हुआ है लाइब्रेरी का कि बाहर का मौसम क्या है, अंदर का मौसम क्या है, उसका बिल्कुल आइडिया नहीं लगता। तो वो चीज़ भी लास्ट ईयर भी हमारे कई बच्चे उसमें पढ़े हैं और उस फायदा निकल के आया कि वो रिजल्ट के रूप में आपको देखने को मिला। पिछली बार 5 विद्यार्थी 10th में जो हमारे सीकर जिले के टॉपर थे, उनमें से 4 शेखावटी अकेले लोसल के थे। तो सर एक और बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा देखा है हमने कि संपूर्ण राजस्थान या राजस्थान से बाहर, तो संपूर्ण राजस्थान के जो जितने भी जिले वहाँ से आपके पास विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ रहे हैं जो हॉस्टल में रह के पढ़ाई करते हैं, तो अपन मान लेते हैं कि एक दूर का अभिभावक है और उनका बच्चा आपके यहाँ पढ़ाई कर रहा है, स्टडी कर रहा है, तो आप उनके बीच कैसे आप एक तालमेल की बात करें या फिर अपन बात करें कि उस अभिभावक को आप ये भरोसा कैसे दिला पाते हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटीज है या आपका बच्चा इन फैसिलिटीज या इस स्टैंडर्ड के साथ पढ़ाई कर रहा है, तो वो गार्जियन तक आप कैसे लेके जाते हैं उन चीज़ों को। उसका सर आज 34 साल हो चुके हैं शेखावटी ग्रुप को, और सबसे बढ़िया तरीका शेखावटी का आज तक जो रहा है वो रहा है कि माउथ पब्लिसिटी। हॉस्टल के विद्यार्थी होते हैं, पहला सोर्स हमारा रहता है हॉस्टल का बच्चा खुद बोलता है वहाँ जाकर कि कैसी व्यवस्था है, कैसी सुविधा है, क्योंकि विद्यार्थी से बढ़कर कोई सच्चा नहीं होता। हो सकता है हम कुछ भी कहें लेकिन विद्यार्थी हमेशा सच कहता है। तो जैसा कि साथियों सर ने बताया कि माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ा एक माध्यम होता है, क्योंकि वहाँ पे एक इंसान आपके बारे में बोल रहा होता है। तो यहाँ पे जो माउथ पब्लिसिटी की सर ने बात करी, तो माउथ पब्लिसिटी के लिए आपको खुद को इम्प्रूव करना पड़ता है, आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, तब वो चीज़ें जाके वास्तविकता में निकल कर आती है। उसी के साथ जैसे मैं सर एक और बात अभी आपसे जानना चाहूँगा कि आज का जो ज़माना है, जैसे अभी आपने बताया कि इंटरनेट का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लोग सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, और आज की अपन बात करें तो किसी भी सर्विस या किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले हर एक इंसान उसको इंटरनेट पे ज़रूर देखता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ मिलता है, कैसा है, क्योंकि एक फिजिकल स्टोर विजिट करना या एक फिजिकल इंस्टीट्यूट को विजिट करना उससे ज़्यादा बेहतर होता है कि अपन इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें एक बार देखें, फिर उनमें से जो अपन को बेस्ट लगेगा अपन वहाँ पर विजिट करेंगे। तो आपके हिसाब से जो इंटरनेट, जो सोशल मीडिया है, वो आज के जो व्यापार है या कोचिंग जगत की अपन बात करें, अपन एजुकेशन जगत की बात करें, तो उसमें क्या भूमिका निभाता है या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है? नहीं बेशक सर, देखो डिजिटल ज़माना आ चुका है और ये तो मोदी जी भी कहने लग गए हैं, गहलोत साहब भी कहते हैं, राजस्थान सरकार और भारत सरकार दोनों कहती है। तो पेमेंट भी आजकल तो मैं कहता हूँ छोटे से छोटे स्टोर पे भी जाते हो तो आपको गूगल पे फोन पे से ही करना पड़ता है, पेटीएम से करना पड़ता है। तो डिजिटल रूप से जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो बहुत अच्छी भूमिका निभाते हैं, और ये बात भी सही है कि पहले एक चीज़ को
दूर तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, शायद पहुंच भी नहीं पाती थी। जी सर। लेकिन अब डिजिटली इतना इजी हो गया है कि यदि कोई भी एक्टिविटीज या कोई भी पॉजिटिव चीज़ है उसको यदि आप बाहर प्रसारित करना चाहते हैं तो वो बहुत जल्दी ही, और ये प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे हैं जिन पर लगभग हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो गया यदि आज की तर्ज पर बात करें तो। तो सर मैं एक और बात आपसे जानना चाहूँगा कि रिजल्ट की अपन बात करें तो सेकावाटी हमेशा एक्सीलेंट रहा है रिजल्ट में, उसके साथ ही साथ थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि हर एक अभिभावक चाहता है कि उनका बच्चा खेल कूद की एक्टिविटी में भी अग्रणी रहे, और एक अपन बात करें होलिस्टिक डेवलपमेंट में खेल कूद बहुत ज़्यादा अनिवार्य भी होता है। तो अभी भी हमने देखा है न्यूज़पेपर में चीज़ें देखी, सेकावाटी का नाम आ रहा है, तो उसमें अपन क्या बेस्ट कर रहे हैं या अपने स्टूडेंट किस लेवल तक चीज़ें अच्छी कर पा रहे हैं? नहीं सर ज़रूर, उसमें भी मैंने अभी आपको जैसे बताया था कि हम तो कोचिंग में भी स्पोर्ट्स इंक्लूड रखते हैं और उसमें भी हमारे बच्चे स्टेट गए हैं। तो जब आईआईटी और नीट की तैयारी करने वाले बच्चे जब स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हैं तो ये तो स्वाभाविक है कि स्कूलिंग तो पूरा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। इस साल बेशक आपने अखबार में बार बार सेकावाटी लोसल का नाम भी देखा होगा जी। तो उसका कारण यही है कि स्पोर्ट्स में हमने लगभग जितने भी इवेंट्स में भाग लिया सभी इवेंट्स में हमारे विद्यार्थी, एक दो विद्यार्थी, तीन विद्यार्थी स्टेट में सेलेक्ट हुए हैं। तो चाहे वो कबड्डी है, खो खो है, एथलेटिक्स है, ताइक्वांडो है और बैडमिंटन भी है। बैडमिंटन सिक्कर की तरफ से भी जैसे पांच ही प्लेयर जाते हैं, उनमें एक सेखावटी का प्लेयर भी वहाँ मौजूद था। तो स्टेट में हमारे लगभग 40 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट होकर गए हैं और अभी हम ये मानते हैं कि आगे 17 और 19 एथलेटिक्स भी अभी बाकी है, तो उसमें भी कुछ और स्टूडेंट्स भी उसमें सेलेक्ट होंगे। मैं यही कहना चाहूँगा सर, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे अनुशासन हो, सच्चे दिल से और अच्छी नीयत से यदि कोई व्यक्ति मेहनत करता है तो उसकी मेहनत कभी भी फेल नहीं हो सकती। उसका हो सकता है कि उसकी मार्केटिंग कम हो, उसका समय कैसा हो, वो अलग चीज़ होती है, लेकिन नीयत अच्छी होनी चाहिए, दिल सच्चा होना चाहिए अपने विद्यार्थियों के प्रति, तो एक दिन उसका रिजल्ट, उसकी मेहनत जरूर रंग लाती है। सभी से यही अनुरोध करूँगा कि हमेशा अपने जिस भी फील्ड में वो काम कर रहे हैं मन लगा के अच्छी नीयत के साथ काम करें, रिजल्ट की बिल्कुल चिंता नहीं करें, रिजल्ट हमेशा अच्छा आएगा। तो सर साथ ही साथ एक और मैं बात आपसे जानना चाहूँगा जो हमारे अभिभावक आपसे जानना चाहते हैं कि अपने यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी आपने बताया जैसे कि अवेलेबल है, बच्चे हॉस्टल में ही पढ़ाई करते हैं, तो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए अपन वो फैसिलिटी हॉस्टल की प्रोवाइड करवाते हैं क्या? जी सर, अपने पास बॉयज़ के लिए भी सेपरेट हॉस्टल्स हैं और गर्ल्स के लिए भी विशेष तौर से सेफ्टी के साथ हॉस्टल्स है, क्योंकि गर्ल्स वाले में एक इश्यू रहता है कि कोई भी अभिभावक अपनी बेटी को जब अपने से दूर छोड़ता है जी, तो उसके लिए मुझे लगता है शायद पढ़ाई भी वो सेकेंडरी मानता है, वो ये मानता है कि मेरी बच्ची की सेफ्टी बहुत मायना रखती जी, जी प्राइमरी सेफ्टी होती तो है। सेफ्टी के लिहाज से भी गर्ल्स हॉस्टल अपने पास बहुत ही बढ़िया व्यवस्थाओं के साथ है और बॉयज़ हॉस्टल अपने पास सारे बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएँ। एक और बात से मैं जानना चाहूँगा और ये बहुत ही मेरे बार बार ये सवाल याद आ रहा था कि जैसे बड़े सर का एक स्टेटमेंट है और वो स्टेटमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि शिक्षा को व्यवसाय न बनाया जाए, तो उसमें सर ने जो स्टेटमेंट दिया कि शिक्षा को व्यवसाय न बनाए, उस पर आपका क्या कहना है? सर के सर दो स्टेटमेंट हैं जो मैंने जनरली सुने हैं और मुझे आज भी वो सबसे बेहतर स्टेटमेंट लगते हैं जी। एक तो उनका ये स्टेटमेंट है कि शिक्षा कभी भी व्यापार नहीं है, वो एक सेवा है, तो शिक्षा को सर ने पहले सेवा माना है, उसके बाद उसको व्यापार माना है जी। तो एक तो उनका ये स्टेटमेंट है और उन्होंने इसको हर जगह सार्थक किया है, जहाँ भी जिसको भी इसकी ज़रूरत रही है, यदि रियल में बच्चा टैलेंटेड है, फैमिली इस स्थिति में नहीं है आर्थिक रूप से कि वो उस बच्चे को सपोर्ट कर सकें, और यदि सर के मात्र एक छोटे से सपोर्ट की वजह से वो उसकी पूरी पीढ़ी चेंज हो जाए और वो टैलेंट आगे निकल जाए और वो अपने परिवार को अच्छा कर ले और उसकी आने वाली पीढ़ियाँ अच्छी हो जाए, तो ये प्रयास सर का हमेशा रहता है कि मैंने तो किया ही क्या है, मैंने तो एक छोटा सा सपोर्ट किया है, ये जरूर अब अपने परिवार को अच्छा कर लेगा, आने वाली पीढ़ियों को सुधार देगा। एक उनका ये स्टेटमेंट हमेशा रहा है कि बहुत बार बोलते हैं वो कि दिए वही जलते हैं जिनमें तेल और बाती दोनों होती है जी सर। और ये बहुत बार उन्होंने बोला है, वो हमें भी हमेशा ये कहते रहते हैं सर कि पढ़ाई और अनुशासन जी। यहाँ दिए आपने बताया जैसे दिए में तेल और बाती, तो ये किस परिप्रेक्ष्य में सर बोलते हैं? ये यही रहता है सर कि पढ़ाई भी रहे, उसके साथ बच्चा अनुशासित भी रहे। जैसे हॉस्टल को लेकर हमेशा एक पैटर्न चला है कि कोई कितना भी बिगड़ा होगा
किसी की एक्टिविटीज़ कितनी भी जैसे पढ़ाई में कमज़ोर रहा होगा या शरारतें रही होगी, वो हमेशा ये कहते थे कि भाई इसको सिखावटी भेज दो, बठे ज़रूर सुधर जैसी हो। ये बहुत से लोगों ने सुनी है। तो ये कारण था कि एक अनुशासित माहौल का जी। और रियल में सर हम अनुभव करते हैं कि आधे से ज़्यादा विद्यार्थी बिना हमारे किसी दबाव के सुधर जाते हैं, सिर्फ माहौल में आने से, एटमोसफियर में आने से, एटमोसफियर में पुराने बच्चों के संपर्क में आने से, टीचर्स के संपर्क में आने से। हाँ, वो दिशा निर्देश मिल जाते हैं कि इस तरह चीज़ें करनी है अपन को, नहीं तो उनको महसूस होता है कि मुझे जीवन में करना क्या है। तब तक उनके पास कोई टारगेट ही नहीं होता है, माहौल मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अनुशासन को लेकर शेखावटी हॉस्टल स्पेशली, डे स्कॉलर बच्चे तो रहेंगे ही रहेंगे स्कूल, तो हॉस्टल भी बहुत सचेत रहता है। मॉर्निंग 5 बजे से लेकर शाम को 10:15 बजे तक का इनका शेड्यूल रहता है जी। और बच्चों को हम जनरली यही कहते हैं, बेटा अनुशासित रहोगे तो नंबर अपने आप आएंगे आपके जी। बिल्कुल। तो अनुशासन और पढ़ाई दोनों शेखावटी पूरा प्रयास कर रहा है कि बेहतर से बेहतर बनाई जाए। तो सर साथ ही साथ एक और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आज जैसे अभी अपने बताया कि सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो मोबाइल आ जाता है, तो अपने यहाँ जो हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, जो अपने एटमोसफियर में जितने बच्चे जो यहाँ स्टडी करते हैं, उनको मोबाइल अपन अलाउ करते हैं नहीं करते हैं, तो उस बारे में अपने क्या रिस्ट्रिक्शन है और क्या नियम अपने बना रखे हैं? मोबाइल के लिए सर जनरली बात वही आ जाती है कि हम जब बार बार अनुशासन की बात करते हैं, तो मोबाइल आते ही पेरेंट्स से हमारा पहला बात होती है कि मोबाइल नहीं रख पाएगा बच्चा, बच्चों को अलाउ नहीं, अलाउ ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, किसी तरह का कोई मोबाइल अलाउ नहीं है। हमारे यहाँ फ़ोन लगे हुए हैं, बच्चों के पास ID पासवर्ड होते हैं, जनरली सबको इश्यू हो जाते हैं, तो सैटरडे संडे उनके लिए ओपन रहता है, आराम से वीक में एक दिन वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। और बाकी अगर कोई बहुत विशेष बात हो तो गार्जियन संपर्क, पेरेंट्स से यदि कई बार संपर्क करना होता है, आता है ऐसा इशू भी कि सर हमें बात करनी हो, तो उसमें हमने 4-5 सदस्य हैं हमारे जिनके नंबर होते हैं, मेरे पर्सनली नंबर, चेयरमैन सर तक के नंबर होते हैं जी। तो पेरेंट्स सीधा हमें कॉल करके कहते हैं कि सर इमरजेंसी और मुझे इस बच्चे से बात करनी है, तो हम वैसे प्रोवाइड करवा देते हैं, बच्चा आराम से बात कर लेता है और वो इश्यू सॉल्व हो जाता है। तो मोबाइल मैं ये मानता हूँ कि सर 12th तक जनरली किसी भी बच्चे को आवश्यक नहीं रहता है, तो मोबाइल पेरेंट्स से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को मोबाइल से अधिक दूर रखें, यदि आप संभव है तो पूर्णतया दूर रखें, और संभव नहीं है तो उसको मिनिमम यूज़, क्योंकि मोबाइल का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है, तो यदि वो आपके पास बैठ के सदुपयोग कर रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम आती है जब उसका दुरुपयोग करने लग जाता है और आपको पता नहीं चल पाता। तो पेरेंट्स को एक तो हमेशा उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, एक ये भी अनुरोध करना चाहूँगा कि बच्चे की छोटी सी भी गलती नज़रअंदाज नहीं करें कभी भी, उसको वहीं सॉल्व करें ताकि वो आगे चलकर आपके लिए बड़ी नहीं बने, और हमेशा एक अपने बच्चे को सही डायरेक्शन में गाइड करते रहें जिससे आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं रहे। इसी के साथ सर से विदा लेंगे, लेकिन साथ ही साथ मैं सर से एक और बात सर से कहूँगा कि सर आप मीटिंग सिटिंग के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो विनोद जी मीटिंग सिटिंग की संपूर्ण टीम को, रियल में वो एक इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल इंडिया में एक अच्छा काम कर रहे हैं कि जो भी उनको कुछ यूनिकनेस लगती है, कुछ अच्छा लगता है, उसको वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथी लोग उसमें ला रहे हैं, उसमें आपकी पूरी मीडिया टीम हो गई, कैमरा टीम हो गई, आप स्वयं उसमें हैं, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मैंने आपके पहले भी कुछ वीडियोस देखे हैं, जैसे आपका एक वो बस का वीडियो था वो मैंने देखा था वो, और रियल में मुझे वो वीडियो पूरा देखा गया मेरे से, क्योंकि उस बस को मॉडिफाई करके वो इतनी अच्छी तैयार करते हैं कि मेरे भी एक आइडिया उससे कुछ आया था उस समय, और उसको आगे देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन का। इसके अलावा भी आप कई बार डिफेंस से रिलेटेड भी वीडियो शेयर करते हैं, तो आपके मीटिंग सिटिंग के जितने भी पॉइंट होते हैं वो दर्शकों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो इस पहल के लिए आपको सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। दर्शकों से भी मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि मीटिंग सिटिंग से हमेशा जुड़ें, उसको फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, तो जितना ज़्यादा आप इनको सब्सक्राइब करेंगे और आपके पास कोई आइडिया आएगा तो उतना जल्दी आप इनके पास पहुँच पाएंगे, तो आप अपने आसपास कोई भी यूनिक चीज़, यूनिक आइडिया देखते हैं तो वो मीटिंग सिटिंग की टीम के साथ शेयर करें, और यदि इन्हें भी वो आइडिया वास्तव में बेहतर लगेगा तो ये उसको सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर आप ज़रूर उसको कोशिश करना कि वो आ सके, क्योंकि यूनिक चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती है जी। रटा रटाया पैटर्न तो बहुत जगह चलता रहता है सर। अक्सर हमारा यही प्रयास रहता है कि जो भी कुछ यूनिक कर रहा है और उस आइडिया से और कितने लोगों को फायदा हो सकता है, तो हमारा यही प्रयास रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा उन चीजों को लोगों के सामने लेके आए, जैसे कि और लोगों को भी, जैसे आपने अभी बस वाली चीज बताई कि मेरे को कुछ आइडिया आया, तो कहीं ना कहीं एक चीज हो रही थी और वो हो रही थी,
जैसे एक कहावत होती है, यही हो रही थी बात, ये है कि अपने आसपास हो रही है और हमें पता नहीं होता। जैसे कहावत होती है कि मैंने सुना था अभी पिछले एक इंटरव्यू हुआ था हमारा एक सर से, तो उन्होंने कहा कि मोर नाचा जंगल में किसने देखा। सही बात, उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा पब्लिक में आके नाचो ताकि लोग देखे, चीजें हो तो वो वाली चीज है, तो लोगों को पता चले। हाँ, तो अपन जब भी कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं तो उसको अगर अपन एम्पावर करना चाहते हैं, लोगों तक लेके जाना चाहते हैं, तो एक इंटरनेट अपने पास एक बेहतरीन माध्यम है जिससे कि अपन लोगों तक चीज़ें लेके जा सकें। नहीं सर, उम्मीद करते हैं जिस तरीके से आप लगे हुए हैं, आपका चैनल एक बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक जाए। जी थैंक यू। और ये पूरे भारत में लोग इन चीज़ों को देखें जिनको आप प्रसारित करें। जी सर। तो ये हमारे लिए, हमारी तरफ से आपके लिए बहुत शुभकामनाएं हैं। तो चलिए साथियों, सरकार कीमती समय हमें मिला उसके लिए सरकार भी एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और इसी के साथ सर से विदा लेते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाला जो नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार।